हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण वो होते हैं जिसका ये परावर्तक सतह ऐसे अगर प्लेन रहे, ठीक है, ऐसे सीधा सीधा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे इसका परावर्तक सतह एकदम समतल रहे तो इसको समतल दर्पण बोलते हैं। यदि लेकिन अगर इसका जो परावर्तक सतह गोले के रूप में रहे, ठीक है, गोले का एक भाग रहे तो उसको क्या बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं। तो आज सिर्फ इस वीडियो में हम लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारा गोली दर्पण होता है, ध्यान रखिएगा, जो गोली दर्पण होता है दो प्रकार के होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक होता है अवतल दर्पण। तो पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों सिर्फ उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। उत्तल दर्पण देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो परावर्तक सतह, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे दर्पण है यहाँ पर, हम इस पर यहाँ लिप कर दिए, ठीक है, तो ये वाला इसका इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो सतह है क्या हुआ है, उभरा हुआ है, यानी जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जैसे प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, ठीक है, प्रकाश की किरणें आएंगी तो क्या होगी, दर्पण से टकरा के चली जाएंगी, ठीक है, दर्पण से टकरा के चली जाएंगी, तो पीछे मिलेंगे ही नहीं कहीं पर, और जहाँ पर मिलेंगे ही नहीं तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, पीछे की तरह ऐसे डॉट डॉट मिला के आभास कराया जाता है। तो जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसे बनता है, आभासी बनता है। देखिए दोस्तों, दर्पण जो प्रतिबिंब होता है वो दो ही प्रकार का बनता है, या तो आभासी बनता है या तो वास्तविक बनता है। अगर आभासी प्रतिबिंब है तो हमेशा सीधा बनेगा, ध्यान कि इसका ट्रिक यही होता है कि आभासी में क्या लगा हुआ, सी लगा हुआ, तो सी से क्या हो जाएगा, सीधा। तो उत्तल दर्पण भी प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी बनता है। आभासी अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, सीधा। आभासी को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। और उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब होता है आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, यानी वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें यहाँ से जैसे यहाँ पर आ रही, टकरा के वापस चली जा रही, तो ये क्या हो रही है, प्रकाश के किरणों को फैला देता है। यहाँ फिर से समझ लिए, यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें ऐसे चली गई, फिर यहाँ से आएगी ऐसे चली, तो प्रकाश के किरणों को क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, यानी प्रकाश के किरणों को जो डाइवर्ट करता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं, यानी अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो जहाँ पर प्रकाश के किरणों को फैलाने की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं। ये प्रकाश के किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं, ठीक है। और अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण जो होता है इसमें वस्तु कहीं पर भी रखा जाए, ठीक है, वस्तु यहाँ पर दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जाए, ठीक है, उससे जो प्रतिबिंब बनेगा तो कैसे बनेगा, हमेशा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है दोस्तों, दर्पण के पीछे बनेगा। ध्यान रखिएगा, हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और छोटा। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी बनता है, जिसको हम काल्पनिक भी बोलते हैं, सीधा बनता है और छोटा बनता है, इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, लास्ट में हम वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग अब हम अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें परावर्तक सतह अंदर की तरफ होता है। यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा परावर्तक सतह कहाँ पे होता है दोस्तों, अंदर की तरफ होता है। इसमें प्रकाश की किरणें आती हैं, दर्पण से टकरा के यहाँ मिल रही हैं, ऐसे फिर आएंगी टकरा के यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, यानी जहाँ प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना हो वहाँ कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। इसीलिए एक बिंदु पर ये क्या करती है, प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करती है, ठीक है, इसीलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्ट करती है, प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर कन्वर्ट करती है। अभी दोस्तों बताए हैं, अगर यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के सामने। अगर दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है, वास्तविक होता है। दर्पण के पीछे बनता है तो कैसा होता है, आभासी होता है। तो दर्पण के सामने बना है तो कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक होगा। आभासी में सीधा बनता है, वास्तविक में कैसा होता है, उल्टा बनता है। अब इसकी बात रही साइज की, तो अलग अलग कंडीशन होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारा अवतल दर्पण है वहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है
जहाँ पर आभासी बनता। कैसा बनता? आभासी। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये है हमारा, हम डायग्राम ले लिए हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है, इसको फोकस बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। देखिए यहाँ पर छः कंडीशन है, ठीक है। छः कंडीशन कौन कौन सा है? देखिए एक कंडीशन ये होता है कि वस्तु कहाँ पे रखा है? अनंत पे रखा है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन कहाँ है कि वस्तु वक्रता केंद्र, देखिए, ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा अनंत हो गया, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हमारा वस्तु रखा गया। तीसरा कंडीशन होता है वक्रता केंद्र पे रखा गया है, और चौथा कंडीशन होता है वक्रता केंद्र और फोकस पे रखा गया, ठीक है। और पाँचवा कंडीशन होता कहाँ पर रखा गया है? फोकस पर रखा गया है। और छठवा कंडीशन कहाँ होता है कि ध्रुव और फोकस पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? ध्रुव और फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे रखा हुआ है? ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हुआ है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम समझ पाते हैं, इस कोड को कैसे याद करेंगे। देखिए एक का कोड कहाँ पे मिल रहा है? एक पे। एक का कोड कहाँ पे मिल रहा है? एक पे। यानी अगर वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे? अनंत पे रखेंगे। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, यदि वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे दोस्तों? अनंत पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? अनंत पे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों? फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस में बनेगा। और कैसे बनेगा? एक बिंदु के रूप में बनेगा। बिंदु के रूप में मतलब बहुत छोटा बनता है। कैसे बनता है? बहुत छोटा बनता है। और ये कैसे बनेगा तो दोस्तों, कैसे बनता है? दर्पण के सामने जब बनता है तो कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा, दूसरा कहाँ पे रखा गया है? यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया, ठीक है, यहाँ पे रखा गया। ऐसे भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र से दूर पर रखा गया है। तो दो का कोण कहाँ पे है? यहाँ है। यानी जब हम ये वक्रता केंद्र और यहाँ अनंत के बीच रखेंगे तो हमारा जो प्रतिमा हो कहाँ बनेगा? ये वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। और साइज क्या होता है दोस्तों? ये छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, वास्तविक और उल्टा सब में लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब तीन पे रखा जाता है, ध्यान रखिएगा तीन वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के समान बने। तो दोस्तों ये वक्रता केंद्र पे रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? वक्रता केंद्र पे। जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। उस इस समान साइज का होता है, ठीक है। यानी जितना वस्तु की लंबाई होगा उतना प्रतिबिंब की लंबाई होगा, ठीक है। तीन का कोड तीन पे मिल रहा है। इसी तरह अब यहाँ से आप देख लीजिए, चार का कोड कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। यदि हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? तीन और पाँच के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। उसके बाद पांचवा देखिए, अगर फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा दोस्तों? अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा, ठीक है। यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया होगा। ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है, देखिए अभी हम बताए हैं कि जो अवतल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और दर्पण के सामने बनता है। लेकिन ये कंडीशन नहीं होता छठवां, यदि वस्तु को कहाँ पर रख दिया जाए? फोकस और पोल के बीच रख दिया जाए। कहाँ पे रख दिया जाए दोस्तों? फोकस और पोल के बीच रख दिया जाए। फोकस और पोल के बीच अगर वस्तु को रख दिया जाए तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो कहाँ होता है? दर्पण के पीछे बनता है। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसे बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी के साथ कैसा बनता है? सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं ये सारे कंडीशन आपको छह कंडीशन समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं दर्पण के सूत्र से, ठीक है। तो दोस्तों दर्पण के सूत्र यही होता है कि एक बटे एफ बराबर क्या होता है? एक बटे बी प्लस एक बटे यू। जहाँ एफ क्या होता है? फोकस दूरी होता है। यू क्या होता है? वस्तु की दूरी होता है। बी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर दर्पण का फार्मूला है तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर लेंस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर उत्तल दर्पण है, उत्तर दर्पण में दोस्तों यू का वैल्यू माइनस होता है, बाकी बी का वैल्यू एफ का वैल्यू प्लस में होता है। उत्तर दर्पण में तीनों माइनस होता है। आपको ध्यान ही नहीं रखना है उत्तर दर्पण में क्या होता है? तीनों माइनस होता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक कंडीशन अगर जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन जाए, यानी छठवां कंडीशन पे बन जाए, तो वहाँ जो यू वी का वैल्यू होता है ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। ध्यान रखिएगा छठवां कंडीशन में प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बन जाएगा दोस्तों? दर्पण के पीछे बनता है। वहाँ की स्थिति क्या होती है? वी का वैल्यू क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो जैसे सब लोग पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण में तीनों माइनस होते हैं, लेकिन एक कंडीशन होता है जहाँ पर वी का वैल्यू क्या हो जाता है?
प्लस हो जाता है। आवर्धन का फार्मूला देख लीजिए दोस्तों, आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आवर्धन का वैल्यू कब एक होता है, तो दोस्तों जब वस्तु की लंबाई, ठीक है, ये यूँ क्या होता है वस्तु की दूरी, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर आई अपान ओ भी होता है, इसमें आई अपान ओ भी लिख लीजिए, यानी ये क्या होता है आई मतलब इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ओ मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई, जब वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के क्या हो बराबर होता है आवर्धन का वैल्यू कितना होता है एक। ऐसे भी कह सकते हैं जब वस्तु की दूरी जितनी वस्तु की दूरी हो उतनी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है तो उस कंडीशन में आवर्धन का वैल्यू कितना होता है एक होता है। दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला है दोस्तों दर्पण के उपयोग से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो यहाँ से हम देखिए कुछ लिखे हैं इंपॉर्टेंट, आप यहाँ देख लीजिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हमें बताएं दोस्तों जहाँ प्रकाश की किरणों को फैलाने की जरूरत पड़ती है वहाँ पर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे है रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, ठीक है, रोड पे जो हमारा इसे देखिए इसे पोल लगा हुआ है यहाँ पर लैंप लगा होता है ना, नीचे प्रकाश क्या आता है इसे क्या करता है रोड पे फैले रहेगा ना, तो वहाँ पर कौन सा होता है उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में यानी जो गाड़ी के बगल में साइड मिरर होता है इसी को क्या बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण या साइड मिरर, या मोटरसाइकिल जब हम लोग चलाते हैं तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए क्या करते हैं इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे भाई देखिए मान लीजिए हमारे यहीं क्या है एक दर्पण है, तो अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे भरे पड़े हैं, तो इसको क्या अब देखिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरण कहाँ हो रहा है फैला रहा है कि नहीं, तो फैला के जहाँ पर प्रकाश की किरणों को फैलाना होता है वहाँ पर कौन सा होता है उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों जहाँ पर इकट्ठा करना होता है वहाँ अवतल दर्पण होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले, अगर गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण होगा यानी क्या होगा यहाँ पर पश्च दृश्य दर्प, इसको बोलते हैं साइड मिरर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं साइड मिरर या रियर मिरर बोलते हैं इसी को, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले गाड़ी की हेडलाइट में, ध्यान रखिएगा गाड़ी की हेडलाइट मतलब जो गाड़ी के आगे ऐसे बना रहेगा, ठीक है, जो गाड़ी की जैसे गाड़ी है गाड़ी के आगे साइड में जो होता है मोटरसाइकिल के आगे साइड में उसी को हेडलाइट बोलते हैं, तो उसमें कौन सा होता है अवतल होता है। क्या होता है अवतल, भाई जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप चाहेंगे नहीं सिर्फ रोडे पर दिखे, रोडे पर हमारा फोकस रहेगा, आप क्या करेंगे साइड में देख के, कोई फ़ायदा होगा साइड में देख के, गाड़ी आप जब रोड पर चला रहे हैं तो बगल ये खेतवा देख के क्या करेंगे आप फालतू में, ठीक है। तो ऐसे आपको याद किया रहना, ठीक है, तो गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं अवतल में। उसके बाद जो नाक कान चाहे आँख चाहे दांत के डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं सब अवतल दर्पण, तो अब चाहे नाक कहे चाहे कान कहे चाहे आँख कहे चाहे दांत कहे सबके जो डॉक्टर होते हैं किस किस दर्पण का प्रयोग करते हैं अवतल का। उसके बाद सोलर जो प्लेट होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सर्च लाइट में इसी का प्रयोग करते हैं, लेजर लाइट में अपरावर्तक दूरबीन में इसी का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों दर्पण टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।